Assalamu alaikum everyone, once again. So we are here. Sorry, hamari kaafi pichli video achi thi, video jo thi wo kaafi lambi ho gayi thi. So I thought it would be good to cut that video or stop that video there and start a new video. Okay ji, so we were here at Japanese management talking about the four functions of the management: planning, organizing, leading and controlling. So starting with the planning, so hum log kafi der se kafi sare features we have been discussing about the management philosophy of Japanese management philosophy, and we have been comparing it with the West. So let's talk about, after comparing it with West, now let's compare the functions of planning and leading and controlling with the West. But before going to comparing, first we have to discuss about the Japan ke andar planning hoti kis tarah se hai. So let's talk about it right now. Planning long term orientation, okay ha, inke ha jo planning hoti hai wo long term orientation hoti hai, since ye long term relationships mein believe karte hain, therefore long term orientation is important in terms of planning. Jab bhi aap plan karte hain, ओके हम लोगों ने एक और इनके हाफ स्टेट मॉडल को जब हमने डिस्कस किया था तो वी केम टू नो कि दीज पीपल आर रिस्क अवर्स है, देयरफॉर इनके हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आप बेसिक रीज़न भी यही होता है कि वो पहले तो सारा कुछ प्लान कर देते हैं, बट इनका वंस द डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी मच स्लो, बट वंस दे मेक डिसीजंस देन इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी मच ईजी फॉर देम, एंड रियली they are going to take all these decisions really rapidly, because once the decisions are taken, the implementation of all those decisions are really very 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 fast. Okay ji, collective decision making hai, therefore consensus based decision making hoti hai, everybody is on board when you are taking or implementing any decision. Involvement of many people in preparing and making the decisions, sare log involve hote hain, to same repetition hai, सेम सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो कुछ खास नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. डिसीशंस फ्लो बॉटम टू टॉप, ओके जी, ऊपर से या नीचे से कहीं से भी ये डिसीशंस होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रंट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं, दीज पीपल आर क्लोजर टू द रियलिटी, प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. देयरफॉर इन जैपनीज मैनेजमेंट इट इज़ इंकरेज्ड के बाई कोई भी डिसीजन है, कोई भी पॉलिसी की अगर डिमांड होती है, तो सुपरवाइजरी रोल और इंकरेजिंग रोल या एक्चुअली एग्रीइंग विद द पॉलिसी और डिसएग्रीइंग विद द पॉलिसी, वो टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन होता है. अप्रूव करने का डिसीजन जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट का होता है, बट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नीचे वालों को करनी है. दे नो कि भाई क्या चीज़ बिजनेस के लिए सही है, क्या चीज़ गलत है. देयरफॉर सजेशंस, पॉलिसी मेकिंग जो भी होती है वो बॉटम पे होती है, और मिडिल मैनेजमेंट सिर्फ कम्युनिकेट करती है टॉप मैनेजमेंट को, भाई दिस शुड बी डन लाइक दिस, इज आवर फ्रंटलाइन मैनेजर्स, आवर फ्रंटलाइन सोल्जर्स आर टेलिंग अस कि ये काम इस तरह से करना चाहिए. देयरफॉर डिसीशंस हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं, ना कि ऊपर से अपनी मुसल्लत की जाती हैं. मैनेजमेंट फिलोसफीज वो भले गलत क्यों ना हो, स्लो डिसीजन मेकिंग बट फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये हमने बात कर ली. आगे चलते हैं, अब नाउ लेट्स कंपेयर इट कि भाई आपका वेस्ट के साथ किस तरह से ये डिफरेंट है या किस तरह से मैच होता है. तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात हम लोग बात कर रहे थे, जापानीज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होते हैं, वेयर एज यूनाइटेड स्टेट्स आर प्राइमरीली शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, उनका कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में इस सच कोई आइडिया नहीं होता. ओके okay. आप लोग कहेंगे सर इनके तो 5-5 साल 50 साल तक के प्लान्स बने होते हैं, यहाँ तक आपने ही बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था ये इन माय प्रीवियस लेक्चर्स कि भाई इनके यहाँ प्लानिंग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो 50 साल की कर दी जाती है. इनके यहाँ तो चार बजट्स के पैसे ऑलरेडी अलोकेटेड होते हैं और खजाने में पड़े होते हैं हमेशा स्टैंड बाय में. फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये प्राइमरली शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है. ओके, जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो इनके यहाँ जो प्लानिंग होती है या सजेशंस, ओके, जैसे हम इनकी जो ऑब्जेक्टिव था जब अफगानिस्तान में इनका एक इंटरेस्ट था, तो वो पाकिस्तान को सारी फेवर्स दे रहे थे. ओके, उनका जो प्रॉब्लम हल हो गया
पहले रशिया के साथ उनका पंगा था, रशिया के साथ जैसे ही उन्होंने जंग जीत ली तो उसके बाद उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान को डिच कर दिया। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, वो रिलेशनशिप रखते ही नहीं है। अगर आपके साथ हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वाई शुड वी कीप रिलेशनशिप विद यू पीपल। तो उनकी प्लानिंग यही होती है कि फिलहाल इनसे काम निकालो, काम निकलने के बाद इनको डिच कर देंगे, कोई मसला नहीं है। वेयर एज जापान के अंदर ये नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि भाई आज अगर मेरा काम निकल भी गया तो कल हो सकता है दोबारा इस बंदे में मेरा काम पड़ सकता है या इस कंपनी में दोबारा मेरा काम पड़ सकता है। देयरफॉर दे कीप ऑन मेकिंग फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग एनिमीज, दे डोंट डिच देयर फ्रेंड्स इन बिटवीन। सेकेंड पॉइंट दैट कम्स इन जैपनीज मैनेजमेंट इज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग विद कंसेंसस, वेयर इज यहाँ पे इंटर डिपेंडेंसी नहीं होती। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होती है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, एक ही बंदा खुद रेस्पॉन्सिबल होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिंस यहाँ पे क्या है कि भाई फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, देयर फॉर प्लस इंटर डिपेंडेंट हैं, प्लस इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स जापान के अंदर कंपनीज जो होती हैं वो आपके पैसे भी सामने वाले की कंपनी में लगे हुए हैं और सामने वाली कंपनी के पैसे आपकी कंपनी में लगे हुए हैं, देयरफॉर इंटरडिपेंडेंट है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी कि कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं तो दोनों साइड हैं या जितने भी लोगों की इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी के अंदर है उन सब का एक पेज पे होना, सेम पेज पे रहना ज़रूरी है। वेयर इज यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती है, दे एक्चुअली लुक अपॉन इट विद सस्पिशियस आइज, दे प्रेफर टू रिमेन इंडिपेंडेंट, किसी भी एक बंदे के ऊपर रिलाय नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने लिए अल्टरनेटिव्स खोल के रखते हैं कि अगर यहाँ से काम नहीं हुआ तो यहाँ से कर लेंगे। तो देट इज़ द बेसिक रीज़न कि भाई अगर आप डिसीजन मेकिंग एक ही बंदा होता है जो मालिक होगा, दूसरे बंदों के वो फेवर्स लेते ही नहीं है, इसकी वजह से क्या है कि भाई डिसीजन भी फिर एक ही बंदे के ऊपर होता है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है किसी एक बंदे का, जिसका भी डिसीजन होगा ही या शी वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजन। नंबर थर्ड पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी पीपल इन प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ अ प्लान और डिसीजन, वेयर इज यहाँ पे क्या है सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते। वेस्ट में हमने भी यही डिस्कस किया है कि भाई सबको आप खुश नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप एवरीबडी ऑन द सेम पेज वे, एंड दिस इज व्हाट इज द रियलिटी इज। बट जापान में इस चीज़ को निगेट किया जाता है कि भाई तीन चार लोग सिर्फ डिसीजन लें और बाकी लोग जो हैं उसको फॉलो करें, नो इट्स नॉट लाइक दैट। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यू पीपल, कुछ खास लोग होते हैं वही डिसीजन लेते हैं और बाकी सब उसको कंफर्म करते हैं कि भाई हाँ ठीक है आपने कर दिया, आप जैसे कहेंगे वैसे हम लोग कर देंगे। सेलिंग इट टू द पीपल विद द डाइवर्जेंट वैल्यूज, भले आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, भाई आप सीनियर पोजीशन पे नहीं है, देयरफॉर यू डोंट नो अबाउट द रियलिटीज के आगे क्या होता है, किस तरह से होता है, आप लोगों ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। ओके जी, यहाँ पे जापानीज लोग जो होते हैं इंफॉर्मेशन फ्लो इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, देयरफॉर ईच ऑफ द एम्प्लॉय नोज के कंपनी किस तरह के टाइम से गुजर रही है, वेदर इट्स गोइंग थ्रू अ टाइम वेयर जो बिजनेस इज बूमिंग इज ग्रोइंग, कितना परसेंटेज आपका प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज आ रहे हैं, ईच वन ऑफ द एम्प्लॉय नोज अबाउट इट, वेयर इज इन यूनाइटेड स्टेट्स दिस इंफॉर्मेशन इज कंसील्ड, इट्स नॉट रिवील्ड ओपनली, बस कुछ एक आध इंफॉर्मेशन होती है जो वो एनुअल रिपोर्ट्स में दे देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स शोर कर देंगे, बाकी और कोई भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शोर नहीं करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। दैट इज़ द वैल्यू के बाई डिसीजन मेकिंग भी एक आध कुछ पाँच आध या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सारा कुछ कर रहे होते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट इन जैपनीज मैनेजमेंट प्लानिंग इज फ्लो ऑफ क्रिटिकल डिसीजंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप। ओके जी, इनके यहाँ कोई भी क्रिटिकल डिसीजन होता है तो ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, दोनों जगहों से। अगर मैं कोई नया SBU खोलने जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं मालिक हूँ, मैं आपको नीचे वालों को बताऊंगा। सिंस अलायंस कैपिटलिज्म है तो इनके यहाँ हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, रिलेटेड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जब हॉरिजेंटल होती है तो वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है, हम लोग अनरिलेटेड SBUs खोल रहे होते हैं।
तो वो डिसीजन आपकी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट लेंगे, जो नीचे वाले लोगों को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ये हम लोग करने जा रहे हैं, और फिर बॉटम से सजेशंस आ सकते हैं कि ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं, मतलब करेंगे ज़रूर, वो डिसीजन होगा ज़रूर, पर किस तरह किया जा सकता है, किस तरह से हम लोग विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, वो आपको नीचे से फ्लो डिसीजन आते हैं। ओके जी, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्या होता है, डिसीजंस इनिशिएटेड एट टॉप, बिल्कुल सही, वहाँ पे भी यही हो रहा है, जापानीज मैनेजमेंट में फ्लोइंग डाउन नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी यही हो रहा है, बैक टू अप भी होता है, फ्लो ऑफ नंबर ऑफ क्रिटिकल डिसीजंस ऑफन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कुछ खास डिसीजंस जो हैं कंपनी से रिलेटेड जो होंगे वो नीचे से ऊपर आ सकते हैं, खास, सारे नहीं, खास, कुछ क्रिटिकल जो हैं, सेम गोज यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है जी, तो कुछ खास इसमें डिफरेंस नहीं है टू सम एक्सटेंट। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 टॉक्स अबाउट स्लो डिसीजन मेकिंग बट फास्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस। नंबर 5, ये बात हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस स्लाइड। अब यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है कि भाई फास्ट डिसीजन मेकिंग, स्लो इम्प्लीमेंटेशन, ये डिसीजन मेकिंग तो जल्दी से ले लेते हैं, बस ठीक है ले लिया, पर जब इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आते हैं तो फिर उनको फिर रियलिटीज़ के बारे में पता चलता है कि ये इस चीज़ के लिए ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए फ़लाँ आदमी के लिए, फ़लाँ ये चीज़ चाहिए, तो बीच में जो प्रॉब्लम्स या लूप होल्स होते हैं उसको वो ओवर रूल कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। बट इन जापान क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे होते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। सिंस ये लोग जो हैं डिसीजन तो ले लेते हैं, उसके बाद जो है फिर दोबारा से नए दोस्तों को बनाने के चक्कर में फिर दोबारा दूसरों लोगों को लालच देते फिरेंगे, ये करेंगे, उसके बीच में 1-2 साल निकल जाता है, तो उसकी वजह से इनके यहाँ डिसीजन मेकिंग जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अब सामने वाले को आपने डच कर दिया था, आप उसी बंदे के साथ अगर आपको कोई दोबारा से एक सिचुएशन आकर हो गई है, आपको उसके साथ में उसको कोई हेल्प चाहिए, तो सामने वाला भी फिर आपसे कोई डिमांड करेगा, एंड डिसीजंस रिक्वायरिंग कम्प्रोमाइज़ एंड यू वुड बी कंपेल्ड टू कम्प्रोमाइज़, के ठीक है यार आपने लास्ट टाइम हमें डच कर दिया था, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको डच नहीं कर रहे हैं, बट हमारी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन हैं, इफ़ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स देन वी आर रेडी टू हेल्प यू, एंड दिस इज़ हाउ यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी भी कंपनीज हैं हमेशा कंप्रोमाइज़ करती हैं। ओके, हमने लास्ट केस पढ़ा था चाइना के बारे में, गूगल इन चाइना, आपको मैंने असाइनमेंट दी थी, आई होप यू गाइस मस्ट हैव डन इट। ओके, आप लोगों ने वो कर ली, तो उसमें क्या है कि भाई गूगल को ही कंप्रोमाइज़ करना है बिकॉज उसको बिजनेस चाहिए इन चाइना के अंदर, तो वही इसी तरह की सिचुएशन है, यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा यही करता है, यही वहाँ के कंपनीज का, यहाँ वहाँ के लोगों की मैंटलिटी यही है, वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं, ऑफन रिजल्टिंग इन टू सब ऑप्टिमल डिसीजंस देन जापानीज, उनके डिसीजन सब ऑप्टिमल लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं हमेशा, और हमेशा चोट खाते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग जापानीज मैनेजमेंट में प्रैक्टिसेस में किस तरह से होता है, ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होगी तो सबकी होगी, अगर नहीं होगी तो कोई एक बंदा या बंदी को हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। एम्बिग्यूटी ऑफ डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छा सिंस एवरीबडी इज जर्नलिस्ट, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि भाई मेरे पास तो हर एक बंदा जो है इस फंक्शन के अंदर एक्सपर्ट है, सप्लाई चेन के अंदर मेरे पास 500 लोग हैं जो जर्नलिस्ट हैं, सबको काम आता है सप्लाई चेन का। ओके, मेरे पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के अंदर 10 लोग हैं, 10 ही लोगों को काम आता है, अब उन 10 लोगों में से कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ जाती है कि कौन सा इफेक्टिव होगा कौन सा एफिशिएंट होगा। याद रहे मैनेजमेंट में एफिशिएंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इफेक्टिवनेस। ओके जी, तो एम्बिग्यूटी ऑफ डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई इस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 लोगों में से मैं किसे दूँ, ये एम्बिग्यूटी आ जाती है बिकॉज 10 लोग ही एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में, जर्नलिस्ट हैं, पर 10 में से कौन से ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा ज़्यादा फिजिबल रहेगा इफ़ ही आर शी इज़ गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। ओके जी, स्ट्रक्चर्स भी डिटरमाइंड नहीं होते हैं बिकॉज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिसीजंस
और प्रमोशन स्लो होते हैं, उस प्रमोशन या डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड की जाती है, वो होती है कि भाई आप कितना अरसा इस कंपनी में रहे हैं, आप कितना डेडिकेटेडली, ऑनेस्टली, ट्रस्टवर्दीली काम करते रहे हैं उस बेसिस पे। देयरफॉर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और वक्त, बट येट दीज पीपल आर रियली वेरी मच सक्सेसफुल डिस्पाइट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। वेल नोन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फिलोसफी, कॉम्पिटेटिव स्प्रेड टूवर्ड्स अदर एंटरप्राइजेस, इनके यहाँ काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कॉमन हैं, नोन है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन उनके यहाँ मोस्ट कॉमन होता है। कल्चरल फिलोसफीज इनकी वही सेम लॉय करती हैं जो हम लोग पार्ट वन में भी डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट टू में भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एंड ऑल दिस। ओके, लेट्स कंपेयर ऑल फोर दिस एलिमेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारी पहली जो पॉइंट थी वो क्या थी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर इज यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बंदा, मुझे पता होता है यही बंदा है, यही रेस्पॉन्सिबल है, ही शुड बी और शी शुड बी अकाउंटेबल फॉर ऑल दीज डिसीजंस। हमने कहा भाई एम्बिग्यूस डिसीजन रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी देनी है वो हमें पता नहीं होता, वेयर इज यहाँ पे मुझे क्लियर कट पता होता है, क्राइटेरिया पता होता है, स्पेसिफिक गोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव पता होते हैं कि कौन सा बंदा किस काम के लिए हमने डिटरमाइन या स्पेसिफाई करके रखा है कि भाई मसरूर साहब जो हैं रिक्रूटमेंट को देखेंगे, ओके फैज़ान जो है वो परफॉर्मेंस एवेल्यूशन को चेक करेगा, ओके जी हमारे पास अगर मिस्तूबा हैं तो मिस्तूबा जो हैं वो किस चीज़ को देखेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट साइड को देखेंगी, इसी तरह हमारे पास अगर कोई पी जमील साहब हैं तो जमील साहब जो हैं हमारे यहाँ कंपनसेशन को चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं। नंबर थ्री हम लोगों ने बात की है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, इनके यहाँ स्ट्रक्चर्स जो हैं हमने कहा टेक्नोक्रेट्स हर जगह जापान में काम करते हैं, वेयर एज यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, फॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रलाइज्ड भी हो सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकते हैं, पर जापानीज ओवरऑल होते ही डिसेंट्रलाइज्ड हैं, बट उनका स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड होता है, बट अथॉरिटी हमेशा एक ही बंदे के पास होती है। याद रहे डिफरेंस फॉर द अथॉरिटी, रेवरेंस फॉर द सीनियरिटी, सीनियर्स की ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते हैं, सुपरवाइजर के पास या मैनेजमेंट के पास अप्रूविंग अथॉरिटी होती है, जब तक वो अप्रूव नहीं करता तब तक भले बॉटम के नीचे कितने भी टेक्नोक्रेट्स क्यों ना बैठे हों कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके जी, इनका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वेल नोन है, पूरी दुनिया को पता है कि इनका कल्चर किस तरह का है, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में लेक ऑफ कॉमन एक स्ट्रक्चर कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। जापान का तो कल्चर हमें पता है ना, उनका कल्चर क्या है, सेम चीज़ें हैं। आप लोग कंटिन्यूसली, हम लोग चार स्लाइड हैं, चार लेक्चर सुन चुके हैं, तकरीबन 3 घंटे ज़ाया कर चुके हैं, ज़ाया कर चुके हैं हम लोगों ने, खर्च की हैं, सुने हैं प्रॉपर तरीके से, एंड वो चारों के चारों जो आपके लेक्चर्स हैं 3 घंटे के, वो इसी सेम चीज़ों के ऊपर बार बार रिएट्रेट हो रही हैं कि भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिंगजी क्या होता है, कैपिटल अलायंसिज्म क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी क्या होती है, ये ओवरऑल इनके क्या है भाई, मॉरल एजुकेशन सिस्टम क्या है उनका, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, ये सेम चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये उनका कॉमन स्ट्रक्चर है। वेयर एज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक सिस्टम तो है ही नहीं, हर कंपनी का अपना एक्स्ट्रा है, कोई टॉल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ सेंट्रलाइज्ड हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हैं, कुछ फ्लैट हैं, कुछ मैट्रिक्स हैं, तो 50 तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनका कोई भी एक कॉमन कल्चर नहीं होता है। हर कंपनी में हर बंदा अपनी फिलोसॉफी स्टडी कर रहा होता है, हर कंपनी का अपना एक कल्चर होता है, वेयर एज जापान के अंदर ये नहीं होता। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब हर कंपनी में लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट होंगे, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज दैट मीन्स एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स हर कंपनी में आपको मिलेंगे, वेयर इज यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, बिकॉज इंडिपेंडेंट है, कोई भी बंदा उनको मॉनिटर करने वाला नहीं होता, हर कंपनी अपने हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से डिसीजन मेकिंग या फिलोसफी या कल्चर बनाती है। ओके, कॉम्पिटेटिव स्प्रेड टूवर्ड्स अदर आइडेंटिकल प्रोफेशंस, आप एक दूसरे कंपनीज को भी कॉपी करते हो, कॉपीकैट बन जाते हो, रादर देन विद एंटरप्राइज और कंपनी प्रोफेशंस को ज़्यादा आप लोग प्रेफर करते हो, आइडेंटिकल हो जाते हो कि भाई
डॉक्टर सरवर साहब कहाँ पे काम कर रहे हैं, सक्खर आई पी में काम कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर जहूर, डॉक्टर सैयद जहूर साहब कहाँ पे काम करते हैं, लम्स में काम करते हैं, वो वहाँ के डीन भी रहे हैं। अगर जहूर साहब यहाँ पे आ जाएं सक्खर आई पी में तो क्या ही बात है। अब क्या है, हम लोग लोगों से आइडेंटिफाई होते हैं वेस्टर्न के अंदर, वेयर इज जापान के अंदर क्या होता है कि आप कंपनी के नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंटली नोन होते हो। आप जिस कंपनी में काम करोगे आपकी रेपुटेशन उस कंपनी के नाम से होगी, बिकॉज कंपनी इज एवरीथिंग। कंपनी की वजह से आप लोग एग्जिस्ट करते हैं, आपकी वजह से लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जापान की फिलोसफी ये है। पर यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि अगर वो बंदा मेरी कंपनी में आ गया तो मेरी कंपनी की सेल या ग्रोथ आसमान पे चली जाएगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स और जापानीज फिलोसफीज डिफर करती हैं इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। आगे चलते हैं स्टाफिंग इनके यहाँ, जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में स्टाफिंग, हम लोग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन किस तरह से करते हैं। ओके, यंग पीपल आर हायर्ड आउट ऑफ स्कूल। जैसे स्टूडेंट्स निकलते हैं स्टूडेंट्स हायर हो जाते हैं एकदम से। ओके, कैंपस ड्राइव्स इनके यहाँ मोस्ट कॉमन है, हर जगह होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं। हार्डली एनी मोबिलिटी अमंग द पीपल, मोबिलिटी ऑफ द पीपल अमंग द कंपनीज। मोबिलिटी क्या होता है भाई, मैं आ गया इस कंपनी में, पीटीसीएल में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, पीटीसीएल से दो साल मैंने काम किया, दो साल के बाद अगर मुझे एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी और कंपनी में मिल गई, चलो भाई स्विगेस में चलते हैं। स्विगेस में क्या था, पैसों की वजह से मैं चला गया, तो मेरे लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैसे मुझे कहाँ पर मिलने हैं, कंपनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देयरफॉर मोबिलिटी जापानीज लोगों के बीच में क्या होती है, नहीं होती है। अगर वो सुजुकी में आ गए तो अब पूरी लाइफ टाइम के लिए उनकी एम्प्लॉयमेंट है, पूरी की पूरी जिंदगी वहीं पे गुजारनी है उन्हें। ये जापानीज रूल है, दैट इज़ वाई जब आपने कंपनी सेलेक्ट की थी उसी वक्त आपके साथ ये इंटरव्यू के दौरान है ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आप ट्रस्टवर्दी हैं, लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। एक और चीज़ है, अगर आपने कैरियर स्विच किया एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो जापान के अंदर इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है, यू आर गोइंग टू फेस लॉट्स ऑफ ट्रबल इफ़ यू आर स्विचिंग योर कैरियर, बिकॉज एक मरतबा आपने कंपनी छोड़ दी तो दूसरी कंपनी फिर आपको सस्पिशियस आईज से देखेगी। आज आपने उस कंपनी को छोड़ा है, कल आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। देयरफॉर इस चीज़ की वजह से वहाँ पे मोबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज इज वेरी मच लेस अमंग द कंपनीज। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप नहीं जा सकते, यू वॉन्ट गेट एनी जॉब। ओके, स्लो प्रोमोशन थ्रू द रैंक्स। आपके प्रोमोशन रैंक्स वाले जो होते हैं भाई, एक असिस्टेंट मैनेजर था, कल डिप्टी मैनेजर बनूंगा, उसके बाद में चीफ मैनेजर बनूंगा या मैनेजर बनूंगा, तो ये इस तरह के प्रमोशंस बहुत स्लो होते हैं, बिकॉज इनके यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लैट होता है, कम से कम रैंक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बहुत ज़्यादा हो गए, लेट 5 या 6 रैंक्स होंगे। देयरफॉर यहाँ आपके यहाँ प्रमोशंस बहुत स्लो होते हैं। जिस तरह एजुकेशन सेक्टर में हमारे यहाँ रैंक्स देखेंगे तो मैं लेक्चरर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, फिर एसोसिएट बनूंगा, फिर प्रोफेसर बनूंगा, 4 रैंक्स हैं। इसके बाद मुझे अगर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके इन रैंक्स में नहीं आती हैं, बिकॉज सैलरीज मेरी इन रैंक्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके जी, लॉयल्टी टू द कंपनी इज मोर इम्पॉर्टेंट। हम लोग जब भी आपको हायर करेंगे तो आपका सबसे पहला एलिमेंट यही चेक किया जाता है, या साइकोलॉजिकली जो टेस्ट होते हैं उसमें भी हम लोग यही चेक करते हैं कि आप के अंदर लॉयल्टी वफादारी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। वेरी इनफ्रीक्वेंट परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ जो भी आएंगे उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट तो होती ही नहीं है। आप उनको छोड़ देते हैं, फिलहाल काम सीखें, काम सीख गए, एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी और फिर आपकी एवेल्यूशन शुरू होगी। फिलहाल तो आपको वो हायर करेंगे काम सिखाने के लिए, आप काम सीखें। सैलरीज आपकी उसकी तो परेशानी नहीं होती आपकी, बिकॉज आपकी एम्प्लॉयमेंट लाइफ टाइम है, देयरफॉर यू आर लेस लाइकली टू वरी अबाउट योर करियर और प्रमोशन। आपको पैसे मिल रहे हैं, इंक्रीमेंट्स खुद ब खुद कंपनी लगाती रहेगी, आपको सब्सटेंशियल अमाउंट मिलती है। बाय द वे, कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में
कैन के यहाँ इनकम्स बहुत हाई होती हैं बट परचेसिंग पावर बहुत लो होती है। ओके, इनके यहाँ प्रमोशन जो होता है वो भी बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया होता है, ये नहीं होता कि भाई आपको परफॉर्मेंस 3 साल के लिए अगर एक्सीड एक्सपेक्टेशंस में आ रही है तो बस आप एलिजिबल हैं और आप लोग प्रमोट हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट किया जाता है भाई आपने टास्क, आपने कितने ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली या कितने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए हैं, ये तो आपके चेक किए ही किए जाएंगे हमेशा। पर इनके यहाँ मोर इम्पोर्टेंट क्या होता है, कमिटमेंट, लॉयल्टी, determination, consistency, persistence, devotion towards company, towards your work, ये सारी चीज़ें मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं जो एक प्रोमोशन के लिए हमेशा देखी जाती हैं। कमिंग टूवर्ड्स लीडिंग, ओके, इनके यहाँ लीडरशिप स्टाइल किस तरह के होते हैं या इनके यहाँ जो बॉसेस होते हैं वो किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करते हैं। एक्टिंग एज अ सोशल फैसिलिटेटर, लीडर जो होता है वो एक सोशल फैसिलिटेटर होता है, आपकी बीच में प्रॉब्लम्स ना हो, आपके प्रॉब्लम्स ग्रुप मेंबर्स के बीच में, आपके बीच में रहना उसे पसंद होता है। लीडर आपको इसी तरह बिहेव कराएगा कि वो ग्रुप मेंबर है, आप ही के साथ मिलके काम करेगा। ही वॉन्ट एक्ट लाइक अ बॉस, अथॉरिटेरियन नहीं होते हैं ये लोग। ओके, पैटर्नलिस्टिक होते हैं, पैटर्नलिस्टिक क्या होते हैं भाई, पेरेंट की तरह उनका स्टाइल होता है, जिस तरह अम्मी अबू हमें प्यार से हर एक चीज़ समझाते हैं उसी तरह उनके बॉसेस का स्टाइल भी यही होता है। सिंपथेटिक होते हैं, कंसर्न फॉर योर एम्प्लॉयज़, उनके यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हर वक्त वो अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या कोई और प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में कोई इशू चल रहा है तो वो आपके प्रॉब्लम को या उस इशू को हल करने में इस तरह हेल्प करेंगे जिस तरह आपके फादर आपकी या आपकी मदर आपकी हेल्प करती हैं। ओके, कॉमन वैल्यूज़, फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन, हर वक्त कोऑपरेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए काम करते हैं, ये कॉमन वैल्यूज़ हैं, ये हर वक्त हर लीडर के अंदर आपको नज़र आएंगे। बॉटम अप कम्युनिकेशन होता है, हमेशा जब भी बॉस आपके पास आएगा तो सजेशंस की बात करेगा, जी मसरूर साहब, जी फैजान साहब क्या कर रहे हैं, ओके इनाम क्या कर रहे हो, किस तरह से हो रहा है, अच्छा आपका कोई सजेशन हो इस चीज़ के बारे में, तो इस तरह की कम्युनिकेशन इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ओके जी, यहाँ पे अब आते हैं भाई, कंपेयर करते हैं जापानीज़ की ये जो सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी उसको यूनाइटेड स्टेट्स में किस तरह से किया जाता है। हम लोगों ने बात की पहली पॉइंट जापानीज़ मैनेजमेंट के अंदर के भाई इनके यहाँ लीडिंग किस तरह की होती है, यंग पीपल आर हायर्ड आउट ऑफ द स्कूल, हार्डली एनी गो आउट फॉर द हंटिंग ऑफ द जॉब, हार्डली देयर इज मोबिलिटी, आप लोग बाहर नहीं जाते, जॉब हंटिंग वहाँ पर नहीं होती है, आप जैसे ही स्कूल से बाहर निकलते हैं आप हायर हो जाते हैं। ओके, आपके यहाँ करियर स्विचिंग नहीं होती है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विचिंग नहीं होती है, वेयर एज यूनाइटेड स्टेट्स में ये सारी चीज़ें उलट होती हैं। ओके, आप पास होंगे, हार्डली 1% or 2% ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली गेट जॉब्स फ्रॉम द रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एट द यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपकी कुत्ता ख्वारी शुरू होती है, आप जॉब हंटिंग पर निकलेंगे, जॉब फेयर्स में जाएंगे, अगर किस्मत अच्छी हुई 10% to 20% or 30% स्टूडेंट्स को जॉब्स मिल जाती हैं हमारे यहाँ तो साउथ ईस्ट एशिया में, अगर यूनाइटेड स्टेट्स में हो तो शायद आपको 3-4 महीने में जॉब मिल जाए, उमूमन मिल जाती है, बट फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है और ये हम लोग कंटिन्यूसली जॉब्स न्यूज़ पे भी सुन रहे हैं कि आपका ये जो प्रेजिडेंट ट्रम्प डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया में आए थे वो भी जॉब्स के लिए आए थे कि भाई इंडिया के अंदर काफ़ी सारी जॉब्स हैं, हमारे लोग यहाँ पे आपके यहाँ काम करने आएंगे, भाई गंदगी में अमेरिका छोड़ के यहाँ पे आएंगे, आई डोंट नो किस तरह से आएंगे बढ़ाएंगे। ओके जी, लोग फ्रीक्वेंटली कंपनीज चेंज करते हैं, ये भी एक कॉमन एलिमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, स्लो प्रमोशंस थ्रू द रैंक्स, इनके यहाँ रैपिड प्रमोशंस होते हैं, एक साल में 2-2 प्रमोशंस भी मिल जाते हैं, 3-3 भी मिल जाते हैं, अगर आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, परफॉर्मेंस बेस्ट है, एवरेज अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप जीनियस हो तो फिर आप ज़्यादा हैं। याद रहे जापानीज़ लोगों का क्या होता है, इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा, आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये लोग ऑलरेडी जीनियस होते हैं, देयरफॉर देयर प्रमोशंस एंड जॉब्स आर वेरी मच कॉम्पिटिटिव इन जापान, वेयर एज इन यूनाइटेड स्टेट्स इट्स नॉट द केस, इट्स द केस इज नॉट द सेम।
ओके जी, लॉयल्टी टुवर्ड्स कंपनी इज मोर इम्पॉर्टेंट इन जापान, वेयर एज यहाँ पे क्या होता है लॉयल्टी टुवर्ड्स प्रोफेशन। अगर मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ तो एचआर के अंदर ही रहूँगा। अगर एचआर से मैंने, आप लोगों ने बीबीए एचआर में कर रहे हो या फाइनेंस में कर रहे हो, फिर एमबीए आके आपने मार्केटिंग की, तो दोबारा से बड़ी एक क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर ही आपके ऊपर ज़िंदगी हराम हो जाती है। भाई आपने एचआर किया था, फिर एचआर से फाइनेंस में क्यों आ गए या फाइनेंस से फिर एचआर में क्यों आ गए, एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इट्स बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के कल्चरल नॉर्म्स हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट होते हैं, वेयर एज जापान के अंदर तो ये होता है ना, वो स्पेशलाइज होते ही नहीं है, वो जर्नलिस्ट होते हैं। देयरफॉर अगर आपको ये काम भी आता है, आपकी डिग्री बीबीए के अंदर भी है, आपकी मास्टर्स की डिग्री मार्केटिंग के अंदर भी है, तो क्या ही बात है, हमारे पास तो कॉम्बो आ गया। इट्स रियली गुड, अ गुड कॉम्बिनेशन। इस बंदे को दोनों काम करने आते हैं, तो उनके यहाँ मोस्ट ये क्या है, अप्रिशिएटिंग चीज होती है। ओके, नंबर फोर्थ, परफॉर्मेंस अप्रेजल वंस और ट्वाइस ईयर इज इन बिग कंपनीज, बट इट्स इनफ्रीक्वेंट इन स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। ओके, हमें ये पता है कि जापान के अंदर स्मॉल इंटरप्राइजेस और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। देयरफॉर आपके मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन मीडियम साइज एंड स्मॉल साइज कंपनीज के अंदर ही जॉब्स इनको मिल जाती हैं, बिकॉज इनके यहाँ ये लोग ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते हैं। अगर कुछ होते भी हैं तो आपके कुछ बड़े नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं, टोयोटा हो गया, सुजुकी हो गया, ह्यूंडई हो गया, सॉरी ह्यूंडई साउथ कोरियन है, यहाँ पे आ जाते हैं, कभी कावासाकी हो गया, निसान हो गया, निपॉन पेंट्स हो गया, निपॉन स्टील्स हो गए, ये सारी कंपनीज जो हैं, सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं। देयरफॉर ये कंपनीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाए करने के लिए इनके यहाँ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स वही होते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज में ये कंपनीज काम करती हैं। देयरफॉर जो वहाँ पे काम होता है, देयरफॉर इनके प्रैक्टिसेस भी, जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, वो इंटरनेशनल होती हैं, एक जैसी ही होती हैं। इनके यहाँ सैलरीज भी डॉलर्स में पे होती हैं, ना कि येन्स में पे होती हैं। सेम गोज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस एवेल्यूशन सिस्टम होता है, कंपनी टू कंपनी ये वेरी हो सकता है, पर कॉमन क्या होता है, एक साल में एक मरतबा तो होगी। अदरवाइज सेल बेस्ड जो कंपनीज होती हैं वो तो हर तीसरे चौथे महीने करते रहते हैं, क्वार्टरली करते हैं। ओके जी, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो होते हैं या अप्रेजल जो होता है वो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, कि भाई ओवरऑल इस बंदे का करियर कैसा रहा है, सक्सेसफुल रहा है या अनसक्सेसफुल रहा है। वेयर एज यूनाइटेड स्टेट्स में आपकी एक साल की परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है, कि इस बंदे ने एक साल में क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। और यही सेम चीज़ हमारे यहाँ पाकिस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में, सॉरी साउथ एशिया में इम्प्लीमेंट की जाती है, और हमारे यहाँ भी कॉमन है, बिकॉज हमारी टीचिंग्स जो हैं, हम लोग जो बुक पढ़ते हैं वो भी यूनाइटेड स्टेट्स की ही पढ़ते हैं, ना कि जापानीज मैनेजमेंट या चाइनीज मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नंबर सिक्स पोजिशन इज प्रमोशंस आर बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस होती ही लॉन्ग टर्म पे है। यहाँ पे प्रमोशंस आर प्राइमरली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, आपके लिए ऑब्जेक्टिवली हम लोग आपकी जॉब से रिलेटेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बना देते हैं और हम उसी को चेक करते हैं कि आप लोग अपना काम जो आपको दिया गया है वो अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सिंपल इज दैट। नंबर सेवेंथ पोजिशन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म प्लान, इनके यहाँ ट्रेनिंग मैंने कहा था कि भाई यंगस्टर्स की प्रमोशंस होती ही नहीं है, आप लोग आ गए अब बैठ के काम सीखो, देयरफॉर आपकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चलती रहेगी, ये 10-12 साल भी चल सकती है, कि आपको 10-12 साल लग जाएं आपको पहला प्रमोशन लेने में, पर आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेयर इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अंडरटेकन विथ एन इन्वेस्टमेंट हेजिटेशन, वो लोग कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉय के ऊपर करते हैं, पर एम्प्लॉय हमारे लिए क्या है, सेट है, ये भी एक माइंड सेट है, एक रिसर्च है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और हम लोग ये कहते भी हैं कि एम्प्लॉयज आर द असेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, बट येट ये चीज भी जहन में रखी जाती है, जो छोटी कंपनीज होती हैं वो हेजिटेट होती हैं इन इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। सखर आई भी है हमारे यहाँ जो है, इट्स मोस्ट कॉमन के हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली कराए जाते हैं। एम्प्लॉय अगर खुद, अगर हमें लेक्चरर हूँ मैं, कोई ट्रेनिंग ढूंढ के लाता हूँ और मैं मैनेजमेंट को कहता हूँ, तो हमारे यहाँ वीसी साहब इस चीज़ को एनकरेज करते हैं, जस्ट गो फॉर इट।
पर यहीं पे अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करेंगे, सिंस वी आर अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, मेरान को, खैरपुर को, आप सिंध यूनिवर्सिटी को, एनडी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे मैनेजमेंट इस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करती है। उनके यहाँ ये इन्वेस्टमेंट नहीं, पैसे का खर्च है, देयरफॉर पैसे लगेंगे, एम्प्लॉय को चुप करा के बैठा देते हैं। एम्प्लॉयज मे स्विच टू अनदर फर्म बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि भाई यहाँ पे मेरा करियर ही नहीं, यहाँ पे मेरी टैलेंट ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मेरी यहाँ पे डेवलपमेंट ही कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे बैठ के क्या करूँ। ओके जी, जैपनीज मैनेजमेंट एट पॉइंट इज लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन कंपनीज, वेयर इज इन यूनाइटेड स्टेट्स आपको कभी भी किसी भी वक्त ले ऑफ किया जा सकता है, डाउन साइज किया जा सकता है, आपको बाहर निकाल सकते हैं, यू कैन बी फायर्ड एट एनी टाइम। सो जॉब्स इनसिक्योरिटीज आर ऑलवेज प्रीवेलिंग इन एवरी यूनाइटेड स्टेट्स कंपनी, इवन इन यूरोप एंड इवन साउथ एशिया, हमारे यहाँ भी ये चीज़ कॉमन है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको किसी भी वक्त लात मार के बाहर निकाल सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ, यहाँ से आगे हम लोग फोर्थ पार्ट पे जाएंगे। थैंक यू, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, वी शैल बी कंटिन्यूइंग विद आवर नेक्स्ट पार्ट। अस्सलाम वालेकुम।